हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज अपन वन फोर वन थर्ड ईयर के बीएससी लेक्चर्स क्रोमेटोग्राफी ये वीडियो लाए हैं ये ऑन डिमांड वीडियो है बच्चे काफ़ी बोल रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें डील करने हैं है ना तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे तो इसमें वन फोर वन एनालिटिकल मैथर्स इन केमिस्ट्री ठीक है ब्लॉक टू तीन यूनिट्स हैं सबसे पहली यूनिट यूनिट फाइव जिसमें जनरल एस्पेक्ट आपको डिस्कस करना है क्रोमेटोग्राफी का यूनिट सिक्स एड्जॉपशन एंड यूनिट सेवन आयन एक्सचेंज ठीक है तो ये पहला वीडियो है इसमें हम सिर्फ जनरल एस्पेक्ट देखेंगे कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है बेसिकली ओके okay? तो आपको इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी मेनली डील करनी है और इस पर क्वेश्चन आता भी है ठीक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी आ सकता है या पेपर क्रोमेटोग्राफी सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी क्या है तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है है ना किस लिए है और सेपरेशन सेपरेशन की टेक्निक है सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है क्रोमेटोग्राफी क्या है तो इट्स अ टेक्निक टेक्निक है सेपरेशन टेक्निक है ठीक है तो फर्स्ट लाइन आपके पेपर में यही होनी चाहिए अब ये इसका आइडिया किसने दिया था तो रशियन बॉटनिस्ट है उन्होंने दिया था सबसे पहले ये किस लिए यूज़ हुई थी प्लांट पिगन पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज हुई थी जिसमें सिंपल ग्लास कॉलम का यूज किया गया था कैल्शियम कार्बोनेट उसमें फिल था ठीक है फिर पेट्रोलियम ईथर यूज किया गया सेपरेट करने के लिए पिगमेंट्स को जिसके कारण बैंड्स जैसे अलग अलग हाइट्स पे आपको कॉलम पे सेपरेशन बैंड्स मिले ठीक है तो ये ओ, कैसे स्टार्टिंग हुई ये बताया था अब इस टेक्निक में क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या होता है सो इट्स अबाउट सेपरेशन टेक्निक ऑफ़ अ मिक्सचर किस तरीके का सेपरेशन होता है क्या इन्वॉल्वमेंट होती है सो मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय देयर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेसेस अब यहाँ पे दो फेसेस यूज हो, होते हैं किसी भी क्रोमेटोग्राफी में है ना? एक होता है मोबाइल फेस एक होता है आपका स्टेशनरी फेस तो जैसे कि अगर ये आपका बीकर है इसमें आपने एक सॉल्वेंट फिल किया हुआ है ठीक है और यहाँ पर आपने एक ग्लास रोड रखी है यहां पर उसको और ये पेपर है इस पर ठीक है ये पेपर है और यहाँ पर आपने एक डॉट लगा दी है तो पेपर इज अ स्टेशनरी फेस ठीक है सॉल्वेंट इज अ मोबाइल फेस मोबाइल से समझ आ रहा है जो मूव करेगा है ना तो क्या होगा कुछ टाइम बाद कि जो डॉट है वो डॉट क्या है मिक्सचर की डॉट है तो क्या होगा सॉल्वेंट ट्रेवल होगा फिर सेपरेशन होगा ये सब बात की बात है ना बट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो फेजेज होते हैं तो दो फेज हमने देखे कि एक मोबाइल फेज होता है एक स्टेशनरी फेज होता है किसी भी टेक्निक में अब इसके बाद जब मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी आपको तो आपको समझ आएगा कि क्रोमेटोग्राफी को कितने तरीके से क्लासीफाई किया गया है ठीक है सो मोबाइल फेस स्टेशनरी फेज पे ट्रेवल करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब अगर ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो एक होती है असेंडिंग एक होती है डिसेंडिंग इफ मोबाइल फेज इज़ मूविंग अपवर्ड्स देन इट इज़ असेंडिंग अगर मोबाइल फेस नीचे आ रहा है तो वो आपका क्या होता है डिसेंडिंग ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टेशनरी सपोर्ट नेचर ऑफ मोबाइल फेज और मैकेनिज्म अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी दी हुई है अब अगर आप स्टेशनरी uh, सपोर्ट के बेस पे क्लासिफाई करोगे तो टू टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आपको मिलती है एक टू डायमेंशनल एक थ्री डायमेंशनल ठीक है नाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आपकी टू डायमेंशनल है ओके okay? एंड इसके बाद आप क्यों इसको टू डायमेंशनल कह रहे हैं क्योंकि आप स्टेशनरी फेस देखोगे जो ना, है, है ना वो टू डायमेंशनली है पेपर है है ना तो टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशन तो है नहीं बट अगर जैसे आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखते हो तो वो जो कॉलम होता है इट इज थ्री डायमेंशनल इसलिए उसको आप थ्री डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी कहते हो फिर अगर नेचर ऑफ मोबाइल फेस के बेस पे आप क्लासीफाई करोगे तो आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सुपर क्रिटिकल फ्लूड क्रोमेटोग्राफी अलग अलग टाइप की होती है अगर आप मैकेनिज्म किस की मैकेनिज्म क्या है उसका सेपरेशन का तो आपको आयनिक शेड और साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी मिलती है पार्टीशन एंड एड्जॉर्पन इस तरीके की आपको टेक्निक्स मिलती हैं अब आप यहाँ क्लासिफिकेशन देखो तो ये चार्ट आपको याद रहेगा तो आप इजीली याद कर सकते हो कि कहाँ से आया है ना याद नहीं भी करना तो समझ के आपको समझ आ जाएगा जैसे कि थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल है मतलब एक कॉलम होता है उसमें उस कॉलम में क्रोमेटोजिन भरे होते हैं ना एडॉर्बिन भरे होते हैं तो ये थ्री डायमेंशनल है तो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी आएगी एक एक करके देखते हैं अपन जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी किस किस के बेस पे तीन चीजों के स्टेशनरी सपोर्ट का शेप कैसा है मोबाइल फेज का साइज या नॉट साइज स्टेट कैसी है ठीक है फिर आपका मैकेनिज्म क्या है या इंटरक्शन सल्यूट का स्टेशनरी फेस से कैसे हो रहा है अगर सबसे पहले देखिए शेप ऑफ स्टेशनरी फेस अगर टू डायमेंशनल है तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मिलेगी थ्री डायमेंशनल है तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो ये हमारा हो गया फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूड क्रोमेटोग्राफी किसके बेस पे अब सोल्यूट का इंटरक्शन स्टेशनरी फेस से किस तरीका किस तरीके का हो रहा है पार्टीशन हो सकता है एन एक्सचेंज हो सकता है साइज एक्सक्लूजन हो सकता है क्रोमेटोग्राफी हो सकता है तो ये आपने इसका क्लासिफिकेशन देखा ठीक है अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें देखो सबसे पहले अगर मोबाइल फेस लिक्विड है या तो लिक्विड हो सकता है सपोर्टेड ऑन ए सॉलिड और सॉलिड सिर्फ सॉलिड भी हो सकता है इसकी वजह से कौन सी क्रोमैटोग्राफी होगी लिक्विड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है ना क्योंकि मोबाइल फेस लिक्विड है या इसको आप बोल सकते हो लिक्विड सॉलिड ठीक है अब लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पोनेट ऑफ मिक्सचर टेक्स प्लेस बाय देर पार्टीशनिंग ऑफ द कम्पोनेट ऑफ द मिक्सचर इन टू लिक्विड फेसेस जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में होता है ठीक है अभी अपन यहाँ पर देखते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसमें मोबाइल फेस लिक्विड है तो आपका किस तरीके की क्रोमेटोग्राफी हो सकती है अब अगर मोबाइल फेस लिक्विड है मतलब जैसे आपने कोई सॉल्वेंट लिया वो सॉल्वेंट आपका क्या है लिक्विड है जो कि मोबाइल फेस है तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो सकती है अब यहाँ कंडीशन क्या है स्टेशनरी फेस यहाँ पे लिक्विड ले रहे हो आप अगर स्टेशनरी फेस आपका लिक्विड है और मोबाइल फेस भी लिक्विड है तो टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में पेपर और थिन थ्री डायमेंशनल में क्रोमेटोग्राफी में कॉलम आएगी लिक्विड और सॉलिड क्रोमैटोग्राफी में स्टेशनरी फेस यहाँ पे सॉलिड है ठीक है लिक्विड मोबाइल फेस है अब अदर वेरिएशन क्या है असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है नॉर्मल फेस रिवर्स फेस हो सकता है और बाकी एच वगैरह इतना सब आपको डिटेल में नहीं जाना फोकस ऑन हाँ अब क्या हो सकता है कि अगर पोलर सपोर्ट लिया है आपने ठीक है स्टेशनरी फ़ेस जो है आपका अगर वो पोलर है और नॉन पोलर है ठीक है तो उस हिसाब से आपकी क्रोमेटोग्राफी क्लासीफाई हो सकती है इस कॉम्बिनेशन को नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी कहते हो अगर आप पोलैरिटी दोनों फेजेस की रिवर्स हो जाती है तो रिवर्स फेज कहलाएगी ठीक है फिर एच एंड एच का फुल फॉर्म क्या है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तो ये इसका जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था अब इसी यूनिट में सिर्फ हम पेपर क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट यूनिट में आएंगे ओके सो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्टरी वीडियो समझ आया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और कितनी यूनिट्स पढ़नी है ठीक है सो थैंक यू नेक्स्ट वीडियो इसका आप पढ़ोगे पेपर क्रोमेटोग्राफी